बेटा बाहर मत जा, पुलिस मुर्गा बना रही है। अच्छा मुर्गा बना रही है? अरे ये बर्तन लेकर कहाँ जा रहा है? हम ना खाने हैं क्या मुर्गा? हेलो जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महा करोड़पति से? अभी पबजी खेल रहा हूँ, बाद में करना। भाई 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 रुक 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 भाई, खैनी देना, खैनी चाहिए। अंदर आजा, दोनों मिलके खाते हैं। हाँ चलो। यहाँ पे पैसेंजर नहीं है तो खैनी सूझ रहे हैं। और चाहिए खैनी? सर बोल लिया कैसे भाई? अरे यार क्या बताएं, कल हमारी शादी थी, शादी के मंडप में बीबी के साथ बैठा हुआ था। बीबी को बोला थोड़ा पास बैठ जाओ, एक और बैठ जाएगी, बस वही से लकड़ी उठा कर दिया मारा। मालिक चंपक लाल आया वसूली करने। उसको जाके बोल मैं घर पे नहीं हूँ। पर मालिक आप तो झूठ नहीं बोलते। इसीलिए तो तुझे भेज रहा हूं। डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? जिला। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था लाल किला। लोग फ्री में क्या देते हैं? राय। तुम दोनों वहां बैठ के पी रहे थे चाय। पुराना लोहा डीना प्लास्टिक के जूता चप्पल सीसी बोतल टूटल फूटल बिचारी थ्रेसर ट्रैक्टर टाली ट्रक जीप मारुति कार गहना गुड़िया घर द्वार मकान दुकान जिला जवार खेत खतियान बकरा बकरी पाड़ा पाड़ी लोटा थारी बेचे के सरकार आगे बने चौपट लग जाए साल में एक बार महीना में दो बार हफ्ता में तीन बार पाड़ा के पाड़ी लोटा के थारी जेना बेची कबाड़ी ओकर पोतो हमार के सास के फूटा फारी महंगा भल साड़ी खुलल बांगन बाड़ी फिर नहीं है चौपट लल कबाड़ी मछली भाभी छोड़ी बड़की का ए भगवान 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। चुप 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 चुप। क्या हुआ? अरे देखना सामने वो कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है, देखो उठा के ले जाएगी तो। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। जानो देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आया हूँ। थैंक यू। बस थैंक यू और नहीं तो क्या? अब तुम्हें चुम्मा भी चाहिए? अबे चुम्मा उम्मा कुछ नहीं साले, आधी आइसक्रीम दे नहीं तो मुंह पे चपेट मारूंगा तेरे। जब देखो जब चुम्मा चाटी अड़ी दे रही है नहीं तो पूरी छीन लूंगा अभी। सुनो जी। हाँ जी बोलो क्या बात है? आपको पता है मेरी सहेली ना मुंह पे मिट्टी लगाती है और वह इतनी सुंदर है कि वो पूरी हीरोइन लगती है। साड़ी एक काम करियो, उससे बोल दियो मुंह पर गोबर लगा लेगी हीरोइन ने, फिर अप्सरा लगेगी। साड़ी चूतिया बनाने के तुझे मैं ही मिलता हूँ। सुनो लड़कियों, सुंदरता मन की रखो, फेस वॉश से खाली थोपड़ा चमकता है दिल नहीं। हाँ ये मेरे पिताजी ने दिया है। पिताजी? मेरे पिताजी? तुम्हारे पिताजी की दी हुई सब चीजें बेकार है। क्या मैं भी बेकार हूँ? हाँ, और वो तो एहसान मानो मेरे जैसा इंसान शादी करने के लिए तैयार हो गया। रहने दो रहने दो, एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल रहा था मुझे। तकदीर वाले थे साले, सब बच गए। मूर्ख बालक, हम तुम्हें शराब देंगे। रुको बाबा दो मिनट में गिलास लेके आता हूँ। भाई तेरा फोन आ रहा है। हाँ एक मिनट बात करिए, उठा के यार। हेलो, मैं बोल रही हूँ। कौन? जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। पर इसमें तो टाइम पास लिखा हुआ है। हेलो ओए बहन सुन। हाँ भाई। ये ले 20 का दूध, 20 का दही, 20 का पनीर, लेकर जल्दी लौट कर आना। ठीक है भाई। भाई एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? ये नोट मिक्स हो गए हैं। अब मुझे पता नहीं चल रहा है कौन से का दही लाना है और कौन से का पनीर। गेट खोल फटाफट, वैसे दिमाग खराब हो रहा है। क्या हो गया? तेरे यहाँ मैं 150 रुपए के केले लेके गया, चलते वक्त तेरी माँ को शर्म नहीं आई मुझे 100 रुपए देते हुए। हे भगवान, तू मुझे वहाँ लेने गया था कि केले बेचने गया था? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000।
सुनो जी, एक बात बताओ, चांद में दाग क्यों है और सूरज में इतनी आग क्यों है? कभी तो सूरज ने चांद को किस की होगी, तभी तो चांद में दाग है। चांद ने वापस नहीं दी होगी, तभी तो सूरज में इतनी आग है। सुनो जी, एक बात बताओ, आदमी में और औरत में क्या फर्क है? अबे आदमी जब सलून जाता है दाढ़ी बनवाने के लिए ना, तो वहाँ से आकर नहाता है, लेकिन गारंटी है कि कोई भी औरत ब्यूटी पार्लर से आने के बाद मुंह तक नहीं धोती है। सुनो जी, आपके शरीर से ना बहुत बदबू आती है, कल से जहाँ जहाँ से बदबू आती है ना, वहाँ से परफ्यूम छिड़क लेना। अबे कल से क्यों, आज से शुरू कर देता हूँ, ये ले। अबे क्या कर रहे हो? मैं सबसे ज्यादा बदबू तो यही से आती है ना। यार मेरे बॉयफ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट दूँ? ब्रेकअप दे दो। अबे ये तो तेरी बंदी है, ले ब्रेक। अबे यार इतना उदास क्यों बैठा है? अबे यार कल मैंने सपने में देखा ना, मेरी बीवी साली किसी और आदमी के साथ घूम रही थी। लेकिन ये तो सपना है, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अबे यार मैं ये सोच रहा था, जब साली मेरे सपने में वो ऐसा करती है तो अपने सपनों में साली क्या क्या करती है? मांगो बालक, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड देना जिसका किसी के साथ चक्कर ना हो। भाग जा बच्चे, नहीं तो त्रिशूल फेंक के मारूंगा। क्यों भगवान, तुम्हें पता नहीं ये असंभव है। अबे ये क्या कर रहा है तू? अबे यार जींस की पैंट में बटन लगा रहा हूँ यार, और क्या कर रहा हूँ? तेरी तो शादी हो गई, ये काम तो तेरी बीवी को करना चाहिए। घंटा करना चाहिए, ये पैंट मेरी नहीं है, मेरी बीवी की है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। जब रावण मृत्यु शैया पर था तो उसने श्री रामचंद्र जी से एक बहुत अच्छी बात कही। उसने उनसे कहा कि मैं तुमसे हर मामले में बड़ा हूँ, उम्र में, बुद्धि में, बल में, मेरा कुटुंब यानी घर भी तुमसे बड़ा है, मेरी लंका सोने की है, धन दौलत में भी मेरा साम्राज्य तुमसे बड़ा है, इन सबके बाद भी मैं हार गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई मेरे खिलाफ था। किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। इसलिए दोस्तों, अंदरूनी एकता को हमेशा बनाए रखना, अपने परिवार की ताकत को समझो, अपने परिवार के साथ जुड़ो। शांति जी साहब, तुम तो मेरी बीबी से भी ज्यादा सुंदर हो। झूठ मत बोलो साहब। नहीं, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, पर ड्राइवर तो बोल रहा था मेम साहब ही ज्यादा सुंदर है। जिस हिसाब से लॉकडाउन में लोग बाहर घूम रहे हैं ना, बस उसी को देखते हुए मोदी जी को पक्का यकीन हो गया है ये लोग अगले साल दिवाली नहीं देख पाएंगे। बस उन्हीं लोगों के लिए आज रात का प्रोग्राम कराया गया है, मोमबत्ती दिए का। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अब मैं तुमसे जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। तुम कल किस लड़की के साथ थे? सच सच। डॉक्टर साहब किधर जा रहे हो? यार मेरी तबीयत खराब है, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। अरे तुम तो खुद ही डॉक्टर हो। नहीं, मेरी फीस ज्यादा है। एक घंटे से देख रही हूँ तुम नीचे किस लड़की से बात कर रहे थे, सच सच बताओ वो लड़की कौन थी? अरे यार आप तुम प्लीज दिमाग मत खराब करो यार, मुझे उसको भी बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। क्या? सुनो जी, लड़कियाँ शराब सिगरेट इन सब से दूर रहो, ये सब तुम्हारे जान के दुश्मन है। अबे यार वो मर्दी क्या जो अपने दुश्मनों से डर जाए। अबे यार तेरे से एक बात बोलूं, अपनी बीवी की वजह से ना साला एक दिन मैं पक्का नरक में जाऊंगा, साला हर दिन झूठ बोलना पड़ता है मेरे को। अबे यार ऐसा क्यों? अबे यार रोज सुबह शाम सजने संवरने के बाद मेरी बीवी मेरे से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। बीवी जब तुम्हें मेरी आदत है तो क्या करते हो? तुम्हारी पसंद की चॉकलेट खा लेता हूँ। बीबी जब तुम्हें मेरी आदत है तो तुम क्या करती हो? गुटखा खा लेती हूँ। चाय बना रहे हैं। भैया वैलेंटाइन डे के लिए कोई ऐसा कार्ड है क्या जिसमें लिखा हो तुम्हें मेरा पहला और आखिरी प्यार हो? हाँ मैडम है ना। ठीक है भैया 15 कार्ड दे दो। अगर कोई आदमी कितना भी ज्यादा पढ़ा लिखा हो या मास्टरमाइंड हो, अगर उसकी बीवी ने एक बार बोल दिया ना कि आप नहीं समझोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे। अरे तुम कल स्कूल क्यों नहीं आया था? सर मैं कल स्कूल आ ही रहा था लेकिन बारिश के कारण दो कदम आगे ले रहा था तो फिसल के तीन कदम पीछे जा रहा था।
अरे तो उल्टी तरफ चलना शुरू कर देता। सर मैंने यही किया था लेकिन बारिश रुक गई और मैं फिसला। घर पे बैठे बैठे बीबी से इतनी दोस्ती हो गई कि बातों बातों में उसे गर्लफ्रेंड के बारे में बता दिया। जी लड़कियों का गर्लफ्रेंड नहीं होता, अक्सर वो दीदी के देवर से सेट हो जाती है। अरे डॉक्टर मैम, मैं जब भी सोता हूँ ना तो मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। कल से खाए तू चलेगा क्या? क्यों, आज से क्यों नहीं? वो क्या है ना, आज बंदरों का फाइनल मैच है। यार एक बात बता, तू कभी हंसता नहीं है? अबे यार हंसता क्यों नहीं हूँ, ऐसा क्यों बोल रही है तू? मैंने कभी देखा नहीं। अच्छा तू नहाती नहीं है क्या कभी? नहाती हूँ। यार मैंने कभी देखा नहीं है। लीजिए ना और काजू खाइए ना। नहीं नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 3-4 खा चुका हूँ। खा तो आप 9 चुके हो, पर चलो छोड़ो, यहाँ गिन कौन रहा है। चल पिज्जा खाने चलते हैं। हाँ चल चलते हैं, लेकिन भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कैसी बातें कर रही है, तेरा भाई बैठा है और तू पैसों की बात कर रही है? तेरे पास पैसे नहीं है, चल दफा हो, मैं अकेला चला जाऊंगा। चल पिज्जा। यार परसों ना मेरी बीवी मर गई, मैं रोने की कोशिश कर रहा हूँ, रो ही नहीं पा रहा। भाई तू एक काम करना, तू बस ये सोच कि वो वापस आने वाली है। मुझे प्यार करता है रे, उससे शादी करेगा क्या? तो मैं तेरे को गोली मार देंगे। ठीक क्यों? Hi V-Mate friends. Hi guys, मैं भुवन। And I'm Ashish. I'm सपना। तुझे पता है V-Mate अपने क्रिएटर्स को कितना दे रहा है? 100 करोड़। V-Mate अपने क्रिएटर्स के साथ शेयर कर रहा है पूरे 100 करोड़। तो क्या सोच रहे हो? Go and search V-Mate. V-Mate दे रहा है 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने का मौका। बनिए V-Mate क्रिएटर, शेयर करिए 100 करोड़ रुपए। सर्च V-Mate, वीडियो शूट करो और पैसे कमाओ। तो देर किस बात की, वीडियो बनाइए पैसा कमाइए। चले हमें भी वीडियो बनाना है।